मैं हूँ उषा और स्वागत है आपका उषा चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से एकदम बाजार स्टाइल वाला स्प्रिंग रोल। एक ही वीडियो में मैं आपको स्प्रिंग शीट्स भी बनाना सिखाऊंगी और फिलिंग भी बनाना सिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं अपने व्यूअर्स को एकदम आसान तरीके से और बाजार जैसी रेसिपी सिखाऊं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं स्प्रिंग रोल बनाना। यहाँ आधी कटोरी मैंने मैदे की ली है, इसका हम फेविकोल बनाएंगे। फेविकोल यानी पेस्ट बनाएंगे, जिससे हमें स्प्रिंग रोल को पेस्ट करना है। देखिए इस तरह से, गुठली इसमें नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा पतला घोल बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे और 2 चम्मच हम पैन में तेल के गर्म होने के लिए रख देते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई गाजर, 1 कटोरी मैंने गाजर की डाली है। 1 चम्मच हम नमक का डालेंगे और मीडियम आंच पर इसको हम पका रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको पकाएंगे नहीं। और 1/2 कटोरी मैंने इसमें पत्ता गोभी की डाली है, सब्जियां आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। 2 चम्मच हम शेजवान चटनी के डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने शेजवान चटनी का वीडियो भी डाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से शेजवान चटनी बनाना सीख सकते हो। साथ में डालते हैं 1 चम्मच टोमेटो केचप का और 1 ही चम्मच इसमें हम सोया सॉस का डालेंगे। सोया सॉस डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर यानी के सिरका और धीमी आंच पर ही इसको हम पका रहे हैं। एक मिनट के लिए इसको हम पका लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको हम नहीं पकाएंगे, सिर्फ सॉटे करना है इसको। और फ्रेंड्स, यदि एक बार आप स्प्रिंग रोल बना लेते हैं ना, तो आप बार बार स्प्रिंग रोल बनाओगे और बाजार का भूल जाओगे। तो लीजिए, अब हमारी जो फिलिंग है वो रेडी है, इसे अब हम निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होगा उतनी देर में हम स्प्रिंग सीड्स की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने 2 कटोरी मैदा की ली है, सेम साइज़ की 2 कटोरी ली है और 1.5 कटोरी मैंने अरारोट की ली है। तो चलिए अब इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। अरारोट और मैदा दोनों को हम डाल देंगे और 1 चम्मच यहाँ मैं नमक का डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी शीट जो है वो बहुत पतली होगी और उसमें जो मटेरियल है, जो हमने फिलिंग बनाई है, उसमें भी नमक डला हुआ है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। देखिए इस तरह से, पहले हम थोड़ा आटा बना लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डाल रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरह का मेरा आटा जो है वो बना है। अब हम क्या करेंगे, जो आटा बनाया था इसका अब हम घोल बनाएंगे। देखिए इस तरह से एकदम पतला घोल हमने बना देना है। पहले डायरेक्ट घोल हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उससे पकड़ अच्छी नहीं आती और गुठलियाँ भी बन जाती है। तो देखिए एकदम पतला हमारा जो है वो घोल है, जैसे दूध होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा है। तो चलिए अब तवा हमारा गर्म है और इस पर मैंने घोल डाल दिया है। देखिए इस तरह से इसको हम उलट पुलट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसके लिए नॉन स्टिक तवा ही चाहिए और तवे पर ना तो हमने कोई तेल डाला
ना कोई और चीज़, डायरेक्ट हमने घोल को डाल दिया है। और शेप को अगर आपको लगता है शेप एक्स्ट्रा है तो इसको आप इस तरह से काट लीजिए, नहीं भी काटोगे तो हमने इसको फोल्ड तो करना ही है। तो देखिए जो इसके किनारे हैं वो ऊपर को उठने लग गए हैं, इसका मतलब हमारी जो शीट है वो पक चुकी है। फुल गैस पर मैंने इसको रखा है, तो चलिए इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, जो हमारा हमने सूखा मैदा है उसको हम स्प्रिंकल करेंगे, यानी कि अच्छे से इसको हम फैला देंगे। उससे क्या होगा कि जो हम दूसरी शीट जो इसके ऊपर रखेंगे वो चिपकेगी नहीं, क्योंकि हमारी शीट जो है वो एक साइड से कच्ची है और एक साइड से पकी हुई है। तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर फिर से हम मैदा डालेंगे और देखिए इस तरह मेरी सारी जो शीट्स हैं वो तैयार हो चुकी है। हर शीट्स के ऊपर आपने मैदा डालना है। अब इसमें हम फिलिंग भरेंगे, 2 चम्मच यहाँ हम फिलिंग के डालेंगे और एकदम किनारे पर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा स्पेस रख कर डालेंगे, क्योंकि इसे अब हमने जैसे फोल्ड भी करना है। इस तरह से इसको फोल्ड कर दीजिए और अब साइडों से फोल्ड कर दीजिए। देखिए इस तरह से बहुत ही इजी है स्प्रिंग रोल बनाना। और अब हम जो हमने पेस्ट बनाया था मैदे का, इसे अब हम फेविकोल के जैसा यूज़ करेंगे। जी हाँ, इससे जो है वो पेस्ट हो जाएगा हमारा स्प्रिंग रोल। इस तरह से इसको आप टाइट टाइट करके रैप कर दीजिए। देखिए देखिए कितना इजी है। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने सारी जो अपने स्प्रिंग रोल हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब देरी किस बात की, फटाफट से इसको फ्राई कर लेते हैं। और फ्रेंड्स जो तेल है वो एकदम गर्म होना चाहिए, एकदम गर्म तेल में ही से आप डालिए। देखिए इस तरह से ऊपर थोड़ा थोड़ा आप तेल डालते रहिए, इससे क्या होगा कि हमारे स्प्रिंग रोल जो है वो चिपकेंगे नहीं। और फ्रेंड्स यदि तेल गर्म नहीं होगा तो इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा तेल चला जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो जब भी आप इनको बनाते हैं ना तो ट्राई कीजिए कि एकदम गर्म तेल होना चाहिए। अभी हम इन्हें हाफ फ्राई करेंगे। जब हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, जो कि अच्छे लगते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है या कोई किटी पार्टी है तो आप भी इनको हाफ फ्राई करके रख लीजिए, और जैसे ही गेस्ट आते हैं फटाफट से इनको फ्राई कीजिए और गर्मा गर्म सर्व भी कीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखा कितना इजी है स्प्रिंग रोल बनाना। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसको बनाकर ज़रूर देखोगे और मुझे कमेंट करके भी बताओगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके स्प्रिंग रोल कैसे बने। देखिए इस तरह से काट के दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बने हैं हमारे। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।